सभी को नमस्कार। मेरा नाम के शारदा है, मैं टीचर अरबी हूँ। मेरा जो क्वालिफिकेशन है MSc मैथ्स, MA इकोनॉमिक्स, BEd एंड PGDCA है। मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है 11 ईयर का है। हमारे छत्तीसगढ़ की यही विशेषता है कि यह सांस्कृतिक धरोहर से भरपूर है, और ऐसे छत्तीसगढ़ के दुर्ग ब्लॉक के भिलाई शहर में मैं निवास करती हूँ। भिलाई जो है भिलाई स्टील प्लांट के लिए फेमस है। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल खेदामारा, क्लस्टर जामु, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट दुर्ग, स्टेट छत्तीसगढ़ में मैं पदस्थ हूँ। और हमारा जो क्लस्टर जामुल है वहाँ पर SSC सीमेंट फैक्ट्री है, और उसी से लगा हुआ है खेदामारा विलेज जो ग्रामीण क्षेत्र में आता है, और वहाँ पर मेरी पदस्थापना है। और हम अपने शाला स्तर पर बहुत सारे कार्यों को करते हैं और हमेशा से करते आए हैं, लेकिन COVID-19 जैसे ही आया शाला संस्थान तो सारे बंद हो गए। अब बच्चे लोगों के पास तो कोई साधन नहीं है कि उन तक हम कैसे पहुँचें, तो सबसे बड़ी समस्या तो यही थी कि उन तक शिक्षण को कैसे पहुँचाया जाए। तो इसके लिए हमें ऑनलाइन का बस एकमात्र ऑप्शन था, लेकिन ऑनलाइन की क्लासेस हमने कभी ली नहीं थी, तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। तो कुछ साथियों की मदद से तब हमें अरविंदो सोसाइटी से जुड़ने का मौका मिला, और वहाँ पर जो पवन द्विवेदी सर हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीक़ों से हमें बताया कि ऑनलाइन टीचिंग को कैसे करते हैं। उन्होंने छोटे छोटे टिप्स दिए और जो मॉड्यूल्स थे वो भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई, जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास के लिए बहुत ही कारगर साबित हुई। फिर हमने ऑनलाइन कैसे टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करते हैं वो सीखा। फिर ऑफलाइन क्लासेस जैसी स्टार्ट हुई तो गतिविधियाँ, फिर कोई एक्टिविटी करवा के खेल खेल में शिक्षण, ये सारी चीज़ें हमने वहीं से सीखा। और फिर शून्य निवेश के बारे में सुना था लेकिन कभी किया नहीं था। तो जब मैंने कुछ वेबिनार्स देखे, कुछ नवाचारी शिक्षकों के टिप्स देखे, तो बहुत सारे आइडियाज़ हमें भी मिले कि हम भी ये काम कर सकते हैं। फिर हमने वैसा ही किया, जो हमारे घर में वेस्ट पड़ी हुई चीज़ें रहती थी उनसे TLM बनाना सीखा, और उन TLM का उपयोग हम अपने मोहल्ला क्लासेस में करने लगे, ऑनलाइन क्लासेस में करने लगे। तो शिक्षण का जो स्तर था थोड़ा और अच्छा हो गया, अट्रैक्टिव होने लगा, जिससे बच्चे और ज़्यादा आकर्षित होने लगे और वे हमसे जुड़ते चले गए, और ये हमारे मदद हुई। और जो इनोवेटिव पाठशाला है वो ऐप के भी माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा, और उसके अंदर हमने देखा कि बहुत सारे टीचर अपने आइडियाज़ को भी सबमिट करते हैं, और वेबिनार में भी हमें बहुत सारे टिप्स बताए जाते हैं कि आप कैसे इसको यूज़ करके अपने टीचिंग को और आकर्षित बना सकते हैं। जो बच्चे तक हम पहुंचाना चाहते थे वो अधिगम स्तर को वो प्राप्ति कर रहे हैं कि नहीं, ये भी हमको अच्छा प्रयास था। तो जो उनके लिए बहुत अच्छा था कि उनके अधिगम को वो प्राप्ति की दिशा में वो जा रहे थे, तो ये बहुत ही रोचक रहा। मैंने भी इन्हीं से सीखकर कुछ नवाचार किए, जैसे मैं खेल खेल में गणित विषय की मैं शिक्षिका हूँ, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले सब्सिडी का बनाया हमने ग्राउंड में, उस पर बनाने के बाद हम उन पर खेल खिलाने लगे, तो बच्चे को तो लग रहा था कि वो खेल खेल रहे हैं, लेकिन खेल खेल में वो गणित की मूल अवधारणाओं को सीखने लगे, जैसे ठीक पहले की संख्या, व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स बिटवीन, मतलब पहले आगे की संख्या, पीछे की संख्या, बीच की संख्याएं, इसके साथ बढ़ते क्रम में और दो संख्याओं में, दो अंकों की संख्याओं में एक अंक की संख्या को जोड़ना, आदि सारी चीज़ें वो उस खेल के माध्यम से सीखने लगे। और भी हम लोगों ने ऐसी ऐसी एक्टिविटी करवाई जिससे वो जल्दी से जल्दी उस चीज़ को समझ सकें जो हम सिखाना चाहते हैं। क्लास बोरिंग ना हो तो बीच बीच में हम कहानियों के माध्यम से उनको और टीचिंग करवाते थे, ताकि वो बोरियत ना रहे और साथ ही साथ जीवन के मूल्यों को भी वे समझ सकें। तो पवन द्विवेदी सर की जो मॉड्यूल्स थे और अरविंदो सोसाइटी के जो वेबिनार्स थे वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुई। तो हम तो अरविंदो सोसाइटी का धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमें ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान किया जिससे हम अपने टीचिंग को और निखार कर सकें, और बच्चे लोगों को जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं और जो उनको जो दक्षताएं उनको प्रदान होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, वो प्राप्ति में ये सोसाइटी ने बहुत ही सहायता की है। धन्यवाद आप सभी को।